कोरोना वायरस की वजह से तो लोग परेशान थे ही, अब लोगों को सब्जियों के दाम भी रुलाने लगे हैं। जो टमाटर जून के महीने में 20 रुपए किलो था, आज उसकी कीमत 70 रुपए प्रति किलो है। वहीं अन्य सब्जी आलू, टमाटर, भिंडी, लौकी, बैगन, तोरई के दामों में भी इजाफा देखने को मिला है। अभी कुछ दिन पहले तक प्याज की बढ़ती कीमत से जहां लोग परेशान थे, वहीं अब टमाटर भी और महंगा हो चुका है। सब्जियों के रेट बढ़ने से आम लोगों के घर का पूरा बजट धराशायी हो गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में टमाटर पेट्रोल से भी महंगा हो चुका है। दिल्ली में पेट्रोल जहां 74 रुपए प्रति लीटर के आसपास है, वहीं खुदरा बाजार में टमाटर की कीमत 80 रुपए किलो तक पहुंच गई है। गाजीपुर के सब्जी मार्केट में इस वक्त दरअसल जो भी आ रहा है उसे यही समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या खरीदे और क्या घर ले जाए, क्योंकि सब्जी के जो दाम है उसमें आग लगी हुई है। इस वक्त अगर टमाटर की हम बात करें तो टमाटर होलसेल में भी इसकी कीमत जो है 70 रुपए के करीब है। और यहाँ पर देखिए कि किस तरह से जो तमाम टमाटर के बेचने वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए, कितना रेट चल रहा है आजकल टमाटर का? 50 से 60-70 रुपए तक चल रहा है। होलसेल में है तो रिटेल में तो और ज्यादा महंगा होगा? रिटेल में चल रही 60-70-80 लास्ट। वहीं अगर अन्य सब्जियों के दाम की बात करें तो टमाटर 70 रुपए प्रति किलो, आलू 36 रुपए प्रति किलो, प्याज 36 रुपए प्रति किलो, लौकी 28 रुपए प्रति किलो, तोरई 28 रुपए प्रति किलो और बैंगन 24 रुपए प्रति किलो है। आपको बता दें कि मॉनसून शुरू होते ही सब्जियों की जमाखोरी बढ़ जाती है, क्योंकि माल की आवाजाही में बारिश की वजह से मुश्किलें पड़ने पर आवक में भी व्यवधान पड़ता है। इसलिए डिमांड सप्लाई के बीच का अंतर भी बढ़ना सब्जियों के दाम बढ़ने के पीछे एक वजह है। माना जाता है इसी वजह से खुदरा कारोबारी सब्जियों की रिटेल कीमतें बढ़ा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।